Hey guys, welcome back to my channel Slay with Makeup. And आज हम होने वाले हैं Get Unready with Me. So makeup तो हम हमेशा discuss करते ही है कि हम कैसे करते हैं, लेकिन आज मैं अपना makeup remove कैसे करती हूँ, उसके बाद मैं क्या क्या चीज़ें करती हूँ वो सब आपके साथ share करूँ. इसमें मैं use करने वाली हूँ ये Mamaearth के products जो मैंने अपने पिछले नायका वाले haul में share किया था. अगर आपने नहीं देखा तो उसे आई बटन पे दे दूंगी, जाके देख लेना. सो मैंने उस वीडियो में आप लोगों के साथ बताया था कि मैं इन प्रोडक्ट्स को जल्दी रिव्यू करूंगी. सोचा कि क्यों ना आज ही ट्राई किया जाए. मैं इन सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करूंगी और उसकी रिव्यू भी साथ में देती हुई. अब देखना चाहती हूँ कि ये प्रोडक्ट्स कैसे वर्क करते हैं. सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं अपना टी शर्ट बदल के आती हूँ, अपने इयररिंग्स निकाल देती हूँ और फिर अपने बालों को अच्छे से टाई कर लूँगी ताकि हम मेकअप रिमूव करने के लिए प्रिपेयर. और मैंने अपना ड्रेस बदल लिया, अपना टी शर्ट. सो अभी नेक्स्ट हम अपने बालों को ऊपर की तरफ कर लेंगे. ओके, सो मैं अभी से सारे क्लिप्स फॉरवर्ड कर दूँगी. ऐसे ही हम अपने बाल अच्छे से टाई अप कर देंगे ताकि बीच में ना आए. उसके बाद मैं अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज निकाल रही हूँ. ऑब्वियसली लेंस के होते वक्त हम मेकअप रिमूव नहीं कर सकते. सो आप देख सकते हो कि लेंस के लगाने से कितना डिफरेंस आ जाता है हमारे लुक के लिए, इसलिए मुझे लेंस लगाना अच्छा लगता है. उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ हर्बल ट्री का ये क्लेंजिंग मिल्क. सबसे पहले मैं क्लेंजिंग मिल्क यूज़ करती हूँ अपना मेकअप रिमूव करने के लिए. सो उसे अपने फिंगर्स पे अच्छे से लगा के अपने पूरे फेस पे मैं लगा रही हूँ ताकि जितना भी मेकअप है पहले वो निकल जाए और ताकि हमें फिर ईजी रहे, क्योंकि कॉटन पैड से करने से स्किन घिस जाती है. इसके लिए मैं अपने फिंगर्स की अच्छे करना प्रेफर करती हूँ और इससे मेकअप आसानी से निकल जाता है. फिर अभी मैंने एक कॉटन पैड लिया है और उसकी हेल्प से जितनी भी हमने क्लेंजिंग मिल्क से मेकअप निकाला है उसे मैं इस कॉटन पैड पे ट्रांसफ़र कर रही हूँ. आप देख सकते हो काफ़ी हद तक मेकअप निकल चुका है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं निकला है, सिर्फ 90% ही निकला है कह सकते हैं. बाकी सारे प्रोसेस करने के बाद निकल जाएगा. उसके बाद मैं अपना फेस वॉश करके आ जाती हूँ और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये Mamaearth का चारकोल फेस स्क्रब. सो मैंने इस फेस स्क्रब के बारे में काफ़ी सुना था. दिस इज़ यूज्ड फॉर डीप एक्सफोलिएशन और इससे कहीं हद तक मैंने नोटिस किया है कि ब्लैकहेड्स भी अच्छे से रिमूव हो जाते हैं. सो मुझे बहुत अच्छा लगा ये मास्क, ये स्क्रब. सो जब सबसे पहले मैंने इसे अपने फेस पर यूज़ किया था तो इसके अंदर काफ़ी जेंटल पार्टिकल्स थे जो एज अ स्क्रब अच्छा काम कर रहे थे. ये एक्चुअल में डीपली एक्सफोलिएट करने में मदद कर रहा था. इसे मैं अब 2 से 3 बार यूज़ कर चुकी हूँ एंड मुझे एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्क्रब्स आई हैव एवर यूज. बहुत ही माइल्ड स्क्रब है, बिल्कुल भी हार्श नहीं लगेगा आपको अपने स्किन पे. और फेस वॉश करने के बाद आप देख सकते हो कि मेरी स्किन पहले से भी ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा अच्छी हो गई है. मैं एक बार जूम करके अपना स्किन दिखा रही हूँ. सो ये काफ़ी हद तक हेल्प करता है क्लीन करने में. नेक्स्ट जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं ये है Mamaearth कोको फेस मास्क. इससे स्मेल करते ही मुझे सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट मूस की याद आ गई, ये उतना अच्छा है. इसकी पैकेजिंग भी मुझे बहुत सही लगी और बहुत सही क्वांटिटी भी मिल रहा है. आई एम सॉरी गाइस, मैं वियर्ड फेसेस बना रही थी क्योंकि मुझसे वो डब्बा निकला नहीं जा रहा था मेरे हाथों से. इससे जब मैंने स्मेल किया एग्जैक्टली चॉकलेट जैसा था, मुझे लिटरली मन कर गया कि मैं इसे खा जाऊँ. लेकिन जब मैंने इसे अपने फेस पे लगाया मुझे इसकी स्मेल इतनी अट्रैक्टिव लगी कि मैं क्या बताऊँ. मैं बहुत एंजॉय कर रही थी जब मैंने इसे लगाया था. और ये बिल्कुल कोको बटर की तरह है, एकदम सॉफ्ट. ये आपकी स्किन को शाइन करने में हेल्प करता है और आपकी स्किन को काफ़ी हद तक सॉफ्ट बना देता है. और इसे मैं नॉर्मली एक फिंगर्स की हेल्प से लगा रही हूँ. इसके अंदर ब्रश भी मिलता है आपको, अगर आपको अपने फिंगर्स का इस्तेमाल नहीं करना है तो आप उस ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हो. बट सीरियसली आई लव दिस, मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे अगर पहले पता होते तो मैं Mamaearth के प्रोडक्ट्स पहले ही ट्राई कर चुकी होती. आप देख सकते हो कि कितना शाइन कर रहा है ये मास्क में. ऑलरेडी शाइनिंग पार्टिकल्स है, ऊपर से इसमें चॉकलेट के पार्टिकल्स मिक्स किए हुए हैं जिससे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है. मैंने जब अपनी स्किन टच किया था इसे फेस वॉश करने के बाद,
मैंने बहुत हद तक यू नो सॉफ्टनेस महसूस किया था पहले से काफ़ी ज़्यादा और बहुत रिफ्रेशिंग भी फील हो रहा था मुझे. सो दिस इज़ द फेस मास्क एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ द मामा अर्थ बाय बाय ब्लेमिश क्रीम. ये बोला जाए तो एक स्किन सीरम की तरह काम करता है, जैसे अपन फेशियल सीरम लगाते, फेशियल ऑयल लगाते हैं, ये बिल्कुल उसी की तरह है, जस्ट लाइक एन ऑयल, बट ये थोड़ा यू नो थिक कंसिस्टेंसी में, ना कि ऑयल कंसिस्टेंसी में. सो ये डीपली यू नो हमारे यू नो जो भी एक्ने या कुछ प्रॉब्लम है हमारे स्किन में, तो उन्हें डीपली वर्क करता है, पेनिट्रेट करता है. तो इसे आपको रात को सोने से पहले लगाने से भी आपके स्किन में जितने भी डैमेजेस है ये उसे अच्छे से क्योर करेगा. सो मैं इसे अपने फेस पे अंदर अच्छे से यू नो लगा रही हूँ मसाज करके. सो द लास्ट एंड फाइनल प्रोडक्ट इज़ दिस मामा अर्थ ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र. सो हम लाइक कभी भी कुछ फेशियल क्लीनअप वगैरह करते हैं तो लास्ट स्टेप होता है मॉइस्चराइजेशन. मुझे ये मॉइस्चराइज़र एक्चुअल में ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, सो इसके बारे में मैं फ़िलहाल बोलना नहीं चाहूँगी. सो ये था मेरा ओवरऑल रिव्यू. मुझे बाय बाय ब्लेमिश क्रीम, फेस स्क्रब और फेस पैक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, एस्पेशली द फेस पैक. आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू ट्राई दिस मामा अर्थ यू नो कोको फेस मास्क. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा. वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. Bye guys. I just wanna know what's on your mind. What's on your mind? Demon, I just wanna know what's on your mind.